तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में। हम बात करेंगे कि डेटा एक शीट से दूसरे शीट पे हम कैसे भेजें एज ए फॉर्म, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे किस तरीके से हम भेजेंगे। आज की हमारी क्लास में इसी चीज से भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सरल सा टॉपिक है और इसका यूज हम लोग बहुत जगहों पर करते हैं। पूरा का पूरा यूजर फॉर्म इसी पे डिपेंडेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक एक्सेल शीट लेता हूँ। पहले से कुछ शीट खुली है तो मैं एक बार सारे शीट को बंद कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वीवीए में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा प्रोग्राम किसी और पे तो मैं कर दिया। एक नई फाइल हमने लिया और ये मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्म है हमारा और ये हमारा डेटा है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है, जैसे कि नेम, सिटी और अमाउंट। इसको फॉर्म तो ना कहेंगे लेकिन फॉर्म जैसा ही समझ लीजिए। और सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। ये हमारा फॉर्म हो गया। अब हमें डेटा शीट हमारा क्या है, डेटा शीट में हमें यहां पे एक आईडी चाहिए, डेट, टाइम, नेम, सिटी, अमाउंट। अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे एक बटन बनाऊंगा सबमिट का। मैं बनाऊंगा क्या, मैं एक बना ही देता हूं, एक ए फॉर्मेट बटन ले लेता हूं जो हमारा शेफ शेफ का एक बटन टाइप बना देता हूं मैं यहां पे, और यहां से मैं इसकी फॉर्मेटिंग चूज कर लेता हूं, तो यहां ले लेता हूं सेव, और इसकी भी फॉर्मेटिंग में सेंटर मिडल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब जैसे कि मैंने यहां पे लिखा पूजा, मैंने लिखा सिटी में मान लीजिए नोएडा, और अमाउंट हमने लिखा यहां पे 500। अब मैं चाहता हूं जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये डेटा शीट में जाए आईडी 1, आज की डेट, अभी की टाइम एंड नेम पूजा, सिटी नोएडा, और अमाउंट यहां पे डाल दे, समझे। जी सर, बात समझ में आई आप लोगों को। नवीन जी लेट है आज आप। जी सर, अभी जस्ट ऑफिस इधर खत्म, कॉल खत्म हुआ, मैं ज्वाइन किया, उसके बाद फॉर्म में इसको डिलीट कर दो। तो क्या करना है समझ में आ गया बाकी सबको। जब मैं सबमिट इस पे इंफॉर्मेशन डालूंगा, सबमिट बटन सेव बटन पे क्लिक करूंगा, डेटा शीट के अंदर जाएगा और एक के नीचे एक इंफॉर्मेशन डाल देगा और फिर फॉर्म को ब्लैंक कर देगा। फिर अगली इंफॉर्मेशन डाला, जैसे मैंने यहाँ पे ओम डालूंगा, सिटी में मान लीजिए मैं डाल दिया इस बार जीएन गुड़गांव, और अमाउंट हमने डाल दिया। और जब मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो डेटा पे जाएगा और यहाँ पे इस बार आईडी 2 बनाएगा, फिर डेट डालेगा, फिर आज की टाइम डालेगा और नाम ओम है, ओम डालेगा, और सिटी में जीएन डालेगा, और अमाउंट डालेगा अपना, जो अमाउंट है इसका 652652। उस वक्त फिर वापस आएगा और फॉर्म को ब्लैंक कर देगा। तो ये चीजें हम करना चाहते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू। सबको समझ में आ गया करना क्या है। जी सर,
अब चलिए इसकी प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्म हम भर लेते हैं, पूजा डेली और अमाउंट यहाँ डाल दिया और मैं डेटा शीट को खाली कर देता हूँ। चलिए रेंज यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट यहाँ पे मॉड्यूल करेंगे ना, हाँ इंसर्ट मॉड्यूल सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पूजा को यहाँ पे डालना है। पहले ये आइडेंटिफाई करना हुआ कि हमारा रेंज है कहाँ पे, मुझे सबसे लास्ट में आना है, कहाँ आना है, क्योंकि तो मैं अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रेंज 8 to 2 नहीं, सबसे पहले हमें आईडी क्रिएट करना होगा, माफ कीजिएगा कि इसमें आईडी कितना है ये पता करना होगा, क्योंकि जैसे 1 है तो हमें 2 डालना होगा नीचे, 2 है तो 3 डालना होगा, इस तरह से सीरियल नंबर एक बनाना होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मैक्स का, मैक्स फॉर्मूला बताता है कि इस आई इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है, जो 1 कर दिया तो 1 आएगा, 2 कर दिया तो 2 आएगा, इस तरह से। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो एक वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे आईडी लेते हैं और आईडी इक्वल टू करता हूं, अब क्या है कि मैक्स डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है वीवी को, जब डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है तो यहां हम देंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स और फिर इसमें देंगे रेंज कॉलन ए बाई ए। अब हम रेंज कॉलम ए बाई ए नहीं दे सकते, हमें इसमें सीट का भी रेफरेंस देना होगा कि किस सीट का रेंज ए बाई ए है, वरना एक्सी सीट ले लेगा। इसके साथ आगे हमें देना होगा सीट और यहां पे देना होगा डेटा। तो ये क्या करेगा कि डेटा सीट का मैक्सिमम वैल्यू आईडी पे स्टोर कर देगा। अब ये जो आईडी है मुझे यहाँ ए टू पे डालना है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट डाल दिया रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1 तो क्या होगा कि जब भी ये रन होगा ए टू पे वैल्यू रिप्लेस करेगा, बट मैं नेक्स्ट टाइम में ए थ्री उसके बाद ए फोर ए फाइव ए सिक्स ऐसे करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। मतलब मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास हो सकता है इसमें बहुत सारा डेटा पहले से हो, तो मुझे सबसे लास्ट ब्लैंक रो पे आना है, लास्ट ब्लैंक रो पे आना है। तो कैसे आ गए, अगर मैनुअल हम कैसे आते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे यहाँ से हम क्या करते हैं कर्सर रखते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो नीचे आ जाते हैं ना, फिर एक नॉर्मल एरो प्रेस कर देते हैं, या ऊपर से नीचे से ऊपर जाना तो एक ब्लैंक पे चले जाते हैं कंट्रोल के साथ अप एरो और फिर एक नॉर्मल एरो यूज करते हैं। तो इसको यूज इसको करने के लिए हमारे पास एक्सेल में क्या है, मैं एक बार अलग एक मैक्रो में समझाता हूँ इस चीज को, कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सेल अप डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट में आएगा। अब 65,000 हमने रो क्यों किया, हम यहाँ पे A1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया तो हम यहाँ ए भी लिख सकते हैं कि A1 डॉट एक्सेल डाउन एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा कि यहां पे कर्सर रखेगा कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेगा और नीचे आ जाएगा। अब एक बार रन करके देख लीजिए, आ गया सर नीचे की तरफ, क्लियर है, समझे सर। तो बट ये लास्ट में गया ना, मुझे लास्ट की अगली सेल चाहिए, तो यहां सिलेक्ट से बाद में हम यहां ऑफसेट लगा देंगे, ऑफसेट
अब ऑप्शन में क्या होता है रो एंड कॉलम, तो मुझे एक रो नीचे लेके आना है तो 1,0 कर देंगे, देन करेंगे डॉट सेलेक्ट। अब मैं इसको रन करूंगा, यहां क्या कर सर, एक मिनट सर मुझे इसको रीओपन करने दीजिए सर, वो थोड़ा सा क्या है काफी टाइम से ओपन है, बहुत सारे मैक्रोज मैंने बना दिया है इसलिए आउट ऑफ मेमोरी बता रहा है सर। तो एक बार मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ फॉर्म के नाम से और इसको रीओपन करता हूँ। एक मिनट दे दीजिए सर, क्या है सर दो तीन मिनट में पीसी ये स्टार्ट नहीं हुआ है इसे थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है चलिए इसे डेवलपर में, तो ये हमने ऑफसेट लगाया। अब डाउन में दिक्कत क्या होगा कि बीच में अगर कहीं ब्लैंक हुआ उस कर्सर मेरा नीचे नहीं आएगा सर, कर्सर मेरा यहीं पे रुक जाएगा। सो हम यहां डाउन ना करके हम नीचे से ऊपर के चलेंगे, तो यहां पे हम d1.value नहीं करेंगे, a2.value नहीं करेंगे, हम यहां करेंगे रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलिस ऑफ डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू id+1। बट यहां भी कंफ्यूजन है क्योंकि एक हमने रेंज दिया, हमने सीट नेम डिक्लेयर नहीं किया कि किस सीट का ए 65,000 से ऊपर जाएगा, हमने बोला डेटा सीट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस पूजा को लेगा और यहां पे आएगा, सबसे पहले जाएगा A65,000 पे, फिर नीचे से कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करके ऊपर आएगा, फिर ऑफसेट में हमने क्या दे रखा है, ऑफसेट में 1 दे रखा है, रो कॉलम 0 दे रखा है, तो एक कॉलम नीचे आएगा और इसकी मैक्सिमम 0 है तो 0+1=1 कर देगा। अब मैं इसी कोड को कॉपी करता हूं नीचे की तरफ पेस्ट करता हूं, अब इस बार मैं सेम प्रोसीजर अपनाऊंगा बट 0,1 करूंगा और यहां पे दूंगा डेट, डेट मतलब कि सिस्टम डेट। ये क्या करेगा, ये जाएगा सबसे पहले A65,000, फिर यहां से ऊपर आएगा कंट्रोल किससे ऊपर आएगा, एंड एक्सलेंस अप को हमने किया, हमने जो एंड एक्सलेंस अप किया वो क्या करेगा, वो आपका जो है कंट्रोल के साथ अप एरो की, कंट्रोल के साथ अप एरो की यूज करेगा और सीधे पहुंच जाएगा स्टार्टिंग का डेटा। और फिर हमने यहां ऑफसेट को बोला कि भाई तुम कॉलम चेंज रो चेंज मत करो,
तुम कॉलम चेंज करो, क्योंकि मुझे जो डेट डाली है वो आईडी नंबर वन की अगली कॉलम में डाल दी है, तो यहां पे वो सिस्टम डेट डाल देगा। और सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे टाइम के लिए, हम इसको कॉपी करेंगे, यहां पेस्ट किया, यहां पे हमने दे दिया टू और टाइम। तो टाइम के लिए कैसे करें, करेंट सिस्टम टाइम होना चाहिए, एक टाइम का फॉर्मूला होता है, ओके। और फिर इसको हम पेस्ट करते हैं, अब इस बार फ्री हो जाएगा, मतलब कि तीसरा कॉलम टाइम के बाद, टाइम के बाद क्या है, नेम है, क्या है, नेम, इसमें टाइम आ गया। अब नेम जो हमारा है वो लेना है फॉर्म से, फॉर्म B3 से। तो जैसे हमने कल बताया था कि मैं यहां पे सीधे लिखूंगा रेंज B3 डॉट वैल्यू। अब इसमें सीट नेम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इस माइक्रो को हम ट्रिगर करेंगे, रन करेंगे कहां, इस बटन के थ्रू, और इस बटन पे क्लिक करने के लिए फॉर्म को तो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। हालांकि आप इसके आगे डाल सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है। अब इसी तरह से यहां पे इसको कॉपी करते, यहां पेस्ट करते हैं, यह आ जाएगा आपका B6। तो यहां हम करेंगे B6 और 3 के जगह करेंगे 4। और फिर इसी लाइन को कॉपी करते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं नीचे, और यहां 5 के जगह हमारा हो जाएगा 6, नहीं 5 होगा सर, यहां पे 5, और यहां हो जाएगा B6 के जगह पे क्या है, B9। एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं, क्या कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा ना। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब मैंने फॉर्म में सेव पे क्लिक किया। देखिए सेव पे क्लिक कैसे होगा, क्योंकि इस पर अभी तक मैं माइक्रो असाइन ही नहीं किया, तो राइट क्लिक कीजिए और इस पर असाइन माइक्रो, और फिर अपना माइक्रो को सिलेक्ट करके ओके कीजिए। अब इस पर माइक्रो असाइन हो गया। अब मैं इस पर जैसे डबल क्लिक करूंगा, आप देखेंगे डेटा शीट में आ गया पूरा सिक्वेंस में। अब मैं यहां पे नाम भी चेंज करता हूं, जैसे पूजा के जगह पे मैं ओम कर दिया, और यहां पे मैं नोएडा कर देता हूं, और फिगर को मैं यहां चेंज कर देता हूं एनसे। अब देखिए यहां पे दूसरा नंबर आईडी, डेट, अनोदर टाइम, ओम नोएडा सिटी। अब इसमें एक दिक्कत है कि अभी तक ये ब्लैंक मैं क्लियर नहीं कर रहा, तो क्लियर करने के लिए आप यहां दे सकते हैं कि रेंज B3, B6, B9 .clear contain। तो पर सर हमने यहाँ पे शीट का एड्रेस नहीं दिया ना, हमने आपको समझाया कि अभी जो हम काम कर रहे हैं, ये जो एक जो मैक्रो रन होगा, ये मैक्रो रन होगा फॉर्म सीट के बटन पे क्लिक करने से। जब बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सीट एक्टिवेट है, हाँ, वर्क करेगा। गॉट इट। आप दे सकते हैं, बट देना जरूरी नहीं जी, समझ। बट डेटा शीट में देना जरूरी था, क्योंकि डेटा शीट डिफरेंट शीट है, इसलिए। अब कंफर्मेशन मुझे दे मैसेज के थ्रू, तो हमने यहां पे दिया MSG boxed, और यहां दिया कि योर डेटा हैव सेव्ड, राइट। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके ओके करूंगा, डेटा हैव सेव्ड, और देखिए डेटा इसके नीचे स्टोर हो गया। अब आप लोग इस कोड को ध्यान से देखिए और बताइए, क्या किसी तरह की कंफ्यूजन है, कोई कोड आपको समझ में नहीं आया, या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो? तो लास्ट क्लासेस हमने समझाया था कि हम रेंज को कैसे सिलेक्ट करेंगे और रेंज से वैल्यू को कैसे डालेंगे।
आज हमने उसी के अगली कड़ी बताया कि रेंज में वैल्यू तो डालना है बट वो एक के नीचे डेटाबेस फॉर्मेट की तरह। उसमें हमारा यहाँ पे एक्सेल एंड अप जो है वो ज्यादा मूव करने का है। अगर मैं इसके एक्सेल एंड अप को समझाऊं मैं आपको तो मुझे इसके लिए यहाँ पे एक डेटा लेना पड़ेगा। जैसे कि सिलेक्शन मेथड का आपको समझना होगा इसके लिए। जैसे मुझे इसको सिलेक्ट इस डेटा को सिलेक्ट करना है तो इस डेटा को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? पहला तो आपका एक्सेल का तरीका था रेंज A1 से लेके J21, A1 से लेके J21 डॉट सेलेक्ट। दूसरा तरीका था BVA का मेथड A1, J21। ये तो हो गया मैनुअल सिलेक्शन जो कि मैंने आपको कल भी समझाया था, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक का। तो ऑटोमेटिक में एक आपका है कि रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा जो कल भी बताया था मैंने आपको, कंट्रोल A कर देगा। बट अगर छोटी सी प्रॉब्लम है जैसे कि यहां पे अगर फालतू डेटा आपने दिख रखा है तो कंट्रोल A इसको भी सिलेक्ट कर लेता है। तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन एरो। तो इसके लिए सबसे पहले पता होगा कि कर्सर मूव कैसे, मतलब यहां से यहां कर्सर कैसे जाएगा डायरेक्ट। तो यहां पे हम इस मेथड पे यूज करेंगे। हमारा स्टार्टिंग मेथड पता है A1, एंडिंग मेथड नहीं पता। तो एंडिंग मेथड में हम एक कोड यहां पे ऐड कर देंगे रेंज, दो कोड को मिक्सअप कर रहे हैं यहां पे, रेंज A1 से लेके डॉट एंड एक्सेलेस टू लेफ्ट। ये क्या करेगा कि A1 तो स्टार्टिंग इसको पता है, एंडिंग के लिए मतलब कि J21 के लिए इस कोड को रन करेगा। तो एक कोड क्या करेगा कि यहां से यहां जाएगा और J21 का कोड इस रेंज को देगा, तो रेंज इसको सिलेक्ट कर लेगा। सर राइट की तरफ आ रहा ना A1 से, शायद राइट होगा, कंफ्यूज हूं साथ में। ओके नो इशू, राइट, ठीक है, यस सर, ठीक, समझ गया। अब ये होगा कि ये पूरा सिलेक्शन इस तरह से होगा। अब मुझे इसी को नीचे लेके आना है तो हम सेम मेथड, इसी सेम मेथड को अपनाएंगे। अब मुझे इसमें ये नहीं बताना कि A1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है हमें, क्योंकि हमें जो लेके आना है पूरा सिलेक्टर लेके आना है ना। तो यहां पे हम दे देंगे सिलेक्शन कि स्टार्टिंग पोजिशन सिलेक्शन है और एंडिंग पोजिशन है सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल DON डाउन। समझ गए कि दो कोड एक साथ लिखने पड़ेंगे किसके लिए, जो हम सिलेक्शन करेंगे इसको इस तरह से। इससे हम आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में विस्तार से समझाएंगे, इसको फिलहाल इग्नोर करें। फिलहाल हम फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब आप लोगों को जैसे मैं बताया कि आप लोगों को आप इसके बाद कुछ काम करने हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने अभी यहां पे सिंपल फॉर्म बनाया, राइट, जी सर, आप कीजिए सिंपल फॉर्म बनाया। तो आप एक फर्स्ट ऑफिशियली फॉर्म बना डिजाइन करेंगे। अब वैसे ऑफिशियल फॉर्म का डिजाइन का मुझे आइडिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा गूगल को खोलेंगे और यहां पे आप जो है सीट फॉर्म या फॉर्म कर लीजिए सर्च करें और इसके इमेज सेक्शन में चले जाए। अच्छा फॉर्म आ गया सर, इधर फॉर्म कर लेते ना, फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन स्कीम, प्रिंटेबल, एम्प्लॉयमेंट, जॉब एप्लीकेशन, टेम्पलेट, सैंपल, दिख रहा है ना आपको, अलग अलग कैटेगरी है और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म की डिजाइन है। अब जैसे कि आपको इस तरह का फॉर्म बनाना है तो यू कैन डिजाइन इट, जो आप डिजाइन कर सके ऐसा एक फॉर्म बनाइए। थोड़ा सा फॉर्म होना चाहिए, लगना चाहिए कि फॉर्म है। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो अब आप जैसे बेसिक बना के मत दे दीजिएगा सर,
सर आई थिंक हम लोग बनाएंगे वो बेटर होगा, मत दिखाइए। मैं दिखा देता हूँ कि मैंने किसी को मैंने दिया था। यूजर फॉर्म वाला नहीं, यूजर फॉर्म नहीं है सर, एक्सेल में ही चाहिए राइट। एक सर यूजर फॉर्म ही फायरफॉक्स से पढ़ रहे हैं हम। हाँ नहीं, एक फॉर्म हमने बनाया, देखो तो वही है जो मैंने बताया था। मैंने एक फॉर्म बनाया था बहुत अच्छा, मैं एक बार देखता हूँ जैसे डेली इतनी फाइल बनती है ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ रखा हुआ। कहीं और है सर, दिख जाएगी। ऑटो सजेशन फॉर्म दिख रहा है सर, ये एक्सेल बना हुआ है सर। अब जैसे फर्स्ट नेम लिखूंगा मैं पूजा, लास्ट नेम लिखूंगा माली सिंह, ईमेल kumar@iptindia.com दिख रहा है सर। पासवर्ड डालते हैं, एंटर मारते पासवर्ड हट जा रहा है, पासवर्ड अनविजुअल एंड देन रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। तो ये बस डिजाइन किया हुआ है, इस पे वीवी प्रोग्रामिंग नहीं लगा हुआ है। बट जैसे मैं पूजा, यहाँ देखिए, जैसे मैं पूजा को डिलीट करूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, सिंह को डिलीट करूंगा ऐसे से आ जाएगा, दिख रहा है सर। ये वाला कैसे हुआ सर? ये तो एक्सेल का पार्ट है, ऐसे कैसे बता दूं आपको? फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ट्राई कीजिए, बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं नहीं बताऊंगा, लेकिन okay. इतना आसानी से नहीं सर। तो हमने फाइंड, हमने क्या लग रहा है हमको ऐसे ही दिमाग में सपना आ गया और मैं बना दिया? मैंने बहुत आरएनडी किया ना सर इस पे। जब किया होगा, अभी से तो ठीक है, मुझे याद है एक बार सर दिया चल रहा है, जब मैंने किया होगा तो कुछ ना कुछ तो सर टाइम खपाया होगा ना सर इससे। बट सर आप बताते लगता है सपना वाला ही लगता है। तो आप जो है इसको एक बार ट्राई कीजिए इस तरह के फॉर्म को, ठीक है? तो इस तरह के फॉर्म में मतलब कि आप जो है एक फॉर्म बनाइए। मैंने बोला कि यही फॉर्म बनाना है आपको। देखिए एक फॉर्म होना चाहिए अट्रैक्टिव लगे, किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। अब जैसे कि इससे पहले जो हमने ओपन किया था एक फॉर्म का ओपन किया था ना सर, तो किसी ने मुझे भेज दिया था, जैसा मैंने बनाया वैसे ही बना के भेज दिया। तो मैंने बोला यार मेरी ही फाइल वापस मुझे भेज देते, बनाने की जरूरत क्या थी? हमने तो सिंपल एक्सप्लेन किया टॉपिक को, अब इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा आउटपुट होना चाहिए ना सर। और मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया था, मुझे देखिए फॉर्म का सैंपल मिल गया, दिख रहा है आपको सर? ये सैंपल मिल गया और मैंने इसी को देख के बना दिया। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा ही देख के बनाओ, बनाने के बाद एक कोड को इंप्लीमेंट करो, पहली चीज। दूसरी इसमें क्या है कि आप देख रहे, पहले एक चीज हो गया, दूसरी यह है कि अभी जो है डेटा हमारा एक ही फाइल में एक शीट से दूसरे शीट पे जा रहा है। अगर इमेजिन कीजिए कि जो डेटा वाली शीट है इस फाइल में ना हो, किसी और फाइल में हो, मतलब कहीं और रखा हो, तो कैसे होगा? समझे? हो जाएगा। हाँ, तो ये दो चीज करके मुझे भेजिए फटाफट। ओके सर, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। जी सर। और कल की क्लास में हम बात करेंगे
डायनेमिक रेंज सिलेक्शन के बारे में और रेंज की फॉर्मेटिंग भी इस हिसाब से हम कवर करेंगे, ठीक है? Okay. आपने कुछ बनाइए और भेजिए सर, क्योंकि अभी तक क्या है सर, दो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था याद होगा, वर्कबुक और शीट्स का। तो रेंज में मैंने आधी बनाई है, अधूरी आधी अधूरी, अब आपको उसको फिनिशिंग करना है। ओके, बाय, गुड नाइट।